हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लेयर अरुण सिंह हिसार। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे। सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए कुछ एक बेसिक जो जनरल एक्सपेंशन होता है उसको यूज करेंगे। ये किसी भी बुक में आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। आप लोग नोट कर लेना इसको। जैसे कि जो बेसिक होता है एक्स प्लस वाई की पावर एन, ये बिल्कुल एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n। तो इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, एन सी जीरो एक्स की पावर n, y की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन y की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू y की पावर टू, और ऐसे चलते चलते कहां तक जाता है, एन सी एन एक्स की जीरो y की पावर n। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये बेसिक जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो है कि जो एक्स है उसकी पावर एक कम होती जाएगी, वाई की पावर इंक्रीज होती जाएगी, एन सी जीरो एन सी वन, इस तरीके से चलता रहे। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई की पावर जो एन होता है उसको लिखते हैं समेशन आर जीरो एन एक्स एन सी आर एक्स की एन माइनस आर और वाई की पावर आर। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आर हम स्टार्ट करते हैं जीरो से और लेके जाते हैं उसको एन तक। तो इसको इस तरीके से हम लिखें। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाऊंगा और आगे टेबल बनाता जाऊंगा। ये जितनी भी टेबल बनेगी इसके बेस पे सम ऑफ कोफिशिएंट का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेता है कि कोई भी टर्म सम ऑफ कोफिशिएंट का ही आता जाए तो, या कोई भी टर्म दे देगा उनका कोफिशिएंट पूछ लेगा। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे वो इसी से बनेंगे। तो ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला देखेंगे x माइनस वाई की पावर n। अब देखिए फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए y की जगह माइनस वाई आ रहा है, सिर्फ इतना डिफरेंस। तो हम y की जगह माइनस वाई रख देते हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है। तो अब देखिए एन सी जीरो एक्स की एन, अब माइनस वाई की पावर, माइनस वाई की पावर अगर इवन होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस वाई की पावर ओड होगी तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, वाई की पावर यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इवन है, उसके बाद क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपका जो है वाई की जो पावर है वो क्या है, आपकी नेगेटिव है। y की जो पावर है आपकी वो क्या है, नेगेटिव है। हाँ जी देखिए y की पावर जो है आपकी वो नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। क्यों हो जाएगी, क्योंकि y की जो पावर है वो ओड टर्म है। नेक्स्ट आगे करेंगे, आगे क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि y की पावर जो आपकी है क्या नाम है, इवन। y की पावर जब इवन होगी तो पॉजिटिव होगा, y की पावर जब ओड होगी तो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि y की जगह क्या रख रहे हैं हम, माइनस y। आगे करते जाएंगे लास्ट में क्या आएगा, x की जीरो हम ये लिख लेते हैं माइनस y की पावर n। अगर n इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो बस इसमें क्या चेंज किया कि y की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस y हमने लिख दिया। अब देखिए बच्चों थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में करते हैं वन प्लस एक्स की पावर एन। फर्स्ट और थर्ड में क्या चेंज है कि एक्स की जगह तो वन रख रहे हैं और वाई की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, एक्स रख रहे हैं। तो वन रखेंगे एक्स की जगह तो ये तो वन ही हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे एन सी जीरो एक्स की जीरो, एन सी वन एक्स की वन, एन सी टू एक्स की टू, इस तरीके से चलता जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। ये फर्स्ट में हमने x की जगह रखा वन, y की जगह क्या रखा, x। फोर्थ में x की जगह क्या रखना है, माइनस x। यहाँ जो थर्ड है उसमें x में, थर्ड में जो x है उसकी जगह क्या रखना है, माइनस x। तो x की जगह माइनस x रखेंगे, माइनस x की पावर जहां इवन है, दो चार छह आठ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जहां ओड है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए एन सी जीरो x की जीरो, एन सी वन एक्स की वन, एन सी टू एक्स की थ्री, फिर एन सी टू एक्स की टू, एन सी थ्री एक्स की थ्री, और ये चलता जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे एन सी एन माइनस एक्स की पावर एन। एन अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा।
आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। और एक बार थर्ड को मैं सोल्व करके लिख देता हूँ, सोल्व की हुई भी काम आएगी और जो आगे टेबल हम बना रहे हैं उसके अंदर भी यूज होगी। तो 1 प्लस एक्स के पावर एन, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 1 होता है, ये भी 1 हो गया। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो एन एक्स हो जाएगा, उसे नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो एन एन माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स के, और एक टर्म और सोल्व कर लेते हैं एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और एक्स के क्यूब, और ये आपका चलता जाएगा। क्लियर? तो ये अच्छे से देखना, क्योंकि हर एक का लिंक नेक्स्ट से डिपेंड करेगा, तो इसके अंदर जो भी हमने किया है इसे नेक्स्ट करेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके बाद जो हम कर रहे हैं फिफ्थ नंबर पे वो डिपेंड करेगा इस पे थर्ड। तो अभी जो फर्स्ट और सेकंड तो आपने नोट कर ली होगी, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, आगे करेंगे। इसलिए अब देखिए जो मैं फिफ्थ पे अभी नोट करूंगा वो क्या है, वो है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। अब देखिए एन की जगह क्या पुट करना है, माइनस एन, और मैंने इसको सोल्व करके लिखा है, देखो यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया। इसके अंदर एन की जगह मैं क्या रख देता हूँ, माइनस एन रख देता हूँ। ये देखिए एन की जगह माइनस एन रखा, देखो एन की जगह माइनस एन रखा, ध्यान से देखना एन की जगह क्या रखा मैंने, माइनस एन रखा। लो जी एन की जगह क्या रखा, माइनस एन रखा। अब इसको अगर सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, माइनस कॉमन लिया कट कर दिया, ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में यहां से माइनस कट हो गया और एक माइनस बच गया, तो इस तरीके से ये आपका चलेगा। अब देखिए ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रही है, एन सी एन एक्स के एन पे खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये कम होती जा रही है, देखो ये चीज कम होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, तो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा। क्लियर? ये वाला ध्यान से देख लेना, अगर ये वाला ध्यान से देख लिया तो आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बस क्या किया, थर्ड वाले को सोल्व किया और एन की जगह क्या रख दिया, माइनस है। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी बुक के अंदर सोल्व करके नहीं दिखा रखा होता, ये भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर चांस है, बस आपको नेट रिजल्ट दे रखा होता है। हम रट्टा मार लेते हैं नेट रिजल्ट का, रट्टा मारे तो भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा तो बिल्कुल इजी से हम कर सकते हैं। प्लस वन वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स नेवी जेई मेंस सभी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम आगे करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, टेबल बनती जाएगी, आगे जो क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के ऊपर करेंगे। तो सिक्स नंबर पे क्या करना है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस। अब एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे थे तो प्लस माइनस प्लस माइनस बन रहा था। पहले वाला प्लस क्यों, पहली पावर बाई की इवन जीरो, अगले वाला नेगेटिव क्यों, क्योंकि 1, अगले वाला पॉजिटिव क्यू पावर 2। तो इस तरीके से प्लस माइनस बनेगा और प्लस माइनस पहले ही है, या x की जगह माइनस x पुट करके देख लो इसके अंदर, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये सभी आपके प्लस के हो जाएंगे। बिल्कुल ये सारे आपके क्या हो गए, प्लस के। अभी इतना हो गया, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। 7 में क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 करेंगे। एन की जगह क्या पुट करना है, देखो माइनस तो है ही आपका, एन की जगह क्या 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो एन की जगह 1 पुट करके देखना इसके अंदर, ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के प्लस माइनस एक्स के 3 प्लस एक्स के पावर 4 ही आएगा। 8 में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो बिल्कुल इजी है। 9th पे अगर हम देखते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, अगर ये 5th वाले में एन की जगह हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x के 3, ये आपका चलता है। और 10 लास्ट के अंदर आपका आएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2,
अब नाइन्थ और टेंथ में क्या फर्क है, नाइन्थ और टेंथ में प्लस माइनस का फर्क है, वही एक्स की जगह है माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस करते हैं तो अभी सारे क्या हो जाएंगे आपके प्लस के हो जाएंगे, ये सारे आपके क्या हो गए, बस ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल इजी मेथड से कर रहे हैं। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट है यहाँ पे आपका बाइनोमियल का मोस्टली कंप्लीट हो गया, जितने टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आज के लिए यही करेंगे, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कंसेप्ट अच्छे लगे, तो प्लीज़ अपने सर्कल के अंदर, सभी का अपना अपना सर्कल होता है, उसमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिए, थैंक यू।